अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अरमला हसन। हमेशा की तरह आज भी मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे, शो देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जनाब बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें आजकल हम कर रहे हैं, और कल भी जैसे हमने चॉकलेट के ऊपर एक पूरा हमने एक सेगमेंट किया और आपको बताया कि चॉकलेट जो है आप वेट लॉस और वेट गेन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट ही चॉकलेट की बातें हो रही हैं। तो आज भी कुछ इंटरेस्टिंग बात है जनाब। पेरिस में एक ऐसा घर बनाया गया है जहाँ पर चॉकलेट से सब कुछ बना हुआ है। मतलब चॉकलेट, आपने उमूमन फेरी टेल्स अपने कार्टून फिल्म एनिमेटेड मूवीज में देखा होगा कि हर चीज़ चॉकलेट की है और बच्चे उसमें जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी एक लोकल एड बना था जिसमें हर चीज़ चॉकलेट की दिखाई थी। तो जनाब ये रियलिटी बेस्ड है। एक कॉटेज बनाया गया है फ्रांस के अंदर जिसकी हर शय जो है वो चॉकलेट से बनाई गई है। इवन दीवारों की बात की जाए, छत की बात की जाए, जो आपकी क्लॉक है उसके साथ साथ आपकी जो किताबें हैं और यहाँ तक के जो उसका फानूस या जो भी लाइट्स हैं वो भी चॉकलेट की बनाई गई हैं। और जनाब ये मशहूर चॉकलेट डिज़ाइनर्स ने बनाया है, और यहाँ तक के इसकी खास बात ये कि यहाँ पे जो तालाब है वो भी चॉकलेट का, जो बतखें हैं वो भी चॉकलेट के, यानी चंद नाम की चीज़ों के अलावा यहाँ पर तमाम चीज़ें चॉकलेट से बनाई गई हैं। और अब इस जो इस कॉटेज के डिज़ाइनर थे वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं चॉकलेट से बने शा बनाने के ऊपर, लेकिन उन्होंने इसमें बहुत नए जदीद तरीके से नहायत जो टेक्निक है अब उसको उसके साथ इन्होंने इस कॉटेज को बनाया है। और उन्होंने इससे पूछा गया जब उनसे कि क्या इस घर में रहा जा सकता है, तो उनका जवाब हाँ में था। और उन्होंने कहा कि जनाब अच्छा इसकी होटल्स की जो ऑनलाइन बुकिंग होती है उसके थ्रू आप यहाँ पर, अगर जो लोग यहाँ पर विलिंग है जाने के लिए वो ऑनलाइन इसकी बुकिंग करा सकते हैं, और वो 5th और 6th अक्टूबर को यहाँ पर रुक सकते हैं। और यहाँ जो रुकने वाले अफराद हैं वहाँ पर कॉटेज के अंदर ही, सेटअप के अंदर ही चॉकलेट के हवाले से एक वर्कशॉप भी बनाई जाए, वर्कशॉप दी जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि आप चॉकलेट से किस तरह की अशिया जो है उनको बना सकते हैं। तो लिहाजा आप चॉकलेट खा भी सकते हैं वहाँ बैठकर, आप चॉकलेट में रह भी सकते हैं, चॉकलेट पे सो भी सकते हैं। मतलब चॉकलेट लवर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और ये जो आपने टीवी स्क्रीन पर भी देखा ये असल में उसकी पिक्चर्स है जो हमें सोशल मीडिया से मिली और हम आपके साथ शेयर करें। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं या जाना चाह रहे हैं या 5th और 6th अक्टूबर को वो जाना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो ज़रूर इस चॉकलेट कॉटेज में जाकर हैं। एक इंटरेस्टिंग से एक्सपीरियंस, मैं सोच रही हूँ कि चॉकलेट मेल्ट भी होती होगी, मतलब कैसे उन्होंने चॉकलेट बना दी, मेल्ट हो जाए तो पूरा कॉटेज तो गया, लेकिन कुछ ना कुछ टेक्निक तो डेफिनेटली होगी। हम जैसे लोगों ने तो नहीं बनाया, एक प्रॉपर माहिर ने बनाया। तो जनाब ये थी कुछ इंटरेस्टिंग सी बात जो मैंने आपसे शेयर की। जनाब योगा आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये हम आपको बार बार कहते हैं। आसान एक्सरसाइज है, कोई ये भी नहीं कि आपको प्रॉपर एहतमाम करना है, कहीं जाना है, घर बैठे जहाँ मर्जी बैठे एक्सरसाइज करें, योगा करें, फिट रहें, हेल्दी रहें। आज हम फिज़िकल जो एक्टिविटी है उसके इंपॉर्टेंस पर बात करने वाले हैं कि फिज़िकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है समटाइम्स ही मोस्ट ऑफ द टाइम, और हमारे यहाँ लोगों में ये रुझान नहीं है कि वो फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ आए। तो लिहाजा आज हम योगा पे बात करने वाले हैं। योगा के जरिए आप किस तरह से अपना बेली फैट कम कर सकते हैं, अपने आर्म्स को कम कर सकते हैं, अपनी लेग्स को, थाइस को, ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सरसाइज बताएंगी। और हमारे साथ मौजूद होंगी सलाफे नकवी। कैसी हैं सलाफे? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर हैविंग मी। अच्छा सलाफे, हम योगा की बार बार इम्पोर्टेंस पे बात करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी चाहे वो योगा की शक्ल में हो चाहे वो एक्सरसाइज कोई भी वर्कआउट हो, तो कितनी इम्पोर्टेंट है? वाकई आपकी बॉडी के लिए एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है आपके मसल्स के लिए। और जो मैं बता रही थी, हमने लास्ट टाइम भी इस पर बात की थी कि जब आप सोए उठते हैं तो आपको रिचार्ज करने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें। बिल्कुल। अगर योगा की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो जब आप किसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या योगा की कोई भी आसन करते हैं, तो ये आपकी जो एस्पेक्ट्स हैं डिफरेंट, चाहे वो स्पिरिचुअल हों या मेंटल हों, इमोशनल हों, इवन फिज़िकल, तो उसको वो अलाइन करता है और आपकी ज़ात में एक बैलेंस लेकर आता है। अब नॉर्मली जिस तरह स्ट्रेस वगैरह है उसमें आप देख रही हैं कि इन्वायरमेंट में यही चीज़ सबसे ज़्यादा है कि लोग हाइपर एक्टिव हैं, ये उसको बैलेंस करने में मदद करता है कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में आ जाते हैं और आप फोकस से अपना काम कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वाकई आजकल कहा जाता है कि बॉडी टोनिंग किस तरह हो मुश्किल है या हम जिम नहीं जा सकते, तो योगा की कुछ प्रैक्टिसेस इस तरह की हैं जो इतनी ईजी हैं कि आप आराम से बैठे भी एक मैट बिछाया और किसी भी ड्रेस में आप कर सकते हैं। नॉर्मली लोग मुझे कहते हैं कि अच्छा तुम तो अक्सर आम कपड़ों में भी करवा रही थी, मैं कहती हूँ मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि आप इजीली आराम से किसी भी ड्रेस में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इतना ट्रेडिशनल हो जाए करना, वही ना अक्सर लोगों की जान इसलिए भी जाती है, सिर्फ नियत कर लें कि आप भी करना इत्तेफाक करें, बाकी कुछ करना करें, नियत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। अच्छा सर आप फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो उसके साथ योगा,
अब योगा के कुछ प्रेशर पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हम कुछ बैठ के अभी थोड़ा सा बता दें, फिर हम उधर जाएंगे, उधर आपसे डेमो ले लेते हैं। yes. हमारा जो बैठ कर होगा, फिर उसके बाद हम यहाँ अपने मैट पर आ जाएंगे हमेशा की तरह। बैठ कर एक एक्सरसाइज जो नॉर्मली होता है, हम इस फैट की भी बात कर, जो ट्राइसेप पर होता है ये वो, अब इसमें स्ट्रेच भी चाहिए होती है। सबसे आसान एक्सरसाइज है कि आपने सामने अपने जो थंब इस तरह रखे, अब जहां तक आपकी स्ट्रेच जा सकती है, ठीक है, जो अब प्रैक्टिशनर्स है ना, मैं आपके फ्रेम में आ रही हूं, थोड़ा सा, नो दैट्स फाइन, बल्कि अर्मला हमेशा जब ट्राई करती है तो मुझे इनकरेजमेंट मिलती है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आपने इसको काफी देर होल्ड रखा, आपने इसको स्टिफ करना है पीछे को, पीछे आपका ऐसा करना है, अगर आप बिगिनर है तो यहाँ तक भी जा रहा है, दैट्स फाइन, आप कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता इसको 30 सेकंड तक आपने प्रेस किया, उसके बाद वापस आप लेकर यहाँ आ गए। अगेन अभी आप तकरीबन 3 टाइम्स करोगे 30 सेकंड के लिए, उसके बाद इसी को आप सर्कुलर मोशन में कर सकते हो और उसके बाद वापस ले आओ। एक चीज जो मैं नॉर्मली देखी, फ्रोजन शोल्डर, वो बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो बैठे बैठे आप उसकी, अब ये एरिया आपको स्ट्रेंथन भी करना है, ठीक है, और अभी हम स्ट्रेंथनिंग की बात भी कर रहे थे, तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये रोटेशन करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ ये रोटेशन, और दूसरा ऑपोजिट साइड पे 30 सेकंड, यस 30 सेकंड के लिए आपने ये किया, और दूसरी साइड पे 30 सेकंड, या आप राउंड गिन लें कि ये 1 2, तो ये तकरीबन आप 10-12 शुरू में करें, उसके बाद 3 सेट्स आप इसके लगाएं। अच्छा, ये चलते फिरते भी आप कर सकते हैं, मेरा चलते फिरते भी कर सकते हैं, इसके लिए बैठ के सिर्फ और सिर्फ होता है जो नेक की कुछ एक्सरसाइज होती है, जो रोटेशन होती है, उनमें कहते हैं आप अपनी आंखें बंद रखें, क्योंकि उसके अंदर बल भी पड़ जाता है, अगर फिर बल पड़ जाए तो फिर ये साइड पे ये करते रहो, क्योंकि योगा का, वाकई योगा में हर चीज का हल है आप देखेंगे तो। और हम एक बात करते होते हैं हमेशा स्ट्रेच की, नॉर्मली लोगों के लव हैंडल्स भी होते हैं और वो कहते हैं इसको कैसे हम दूर करें। सबसे आसान जो हम बताते हैं, आपने यहां अपने हाथ रखे, इनहेल करते हुए आप साइड पे जाएंगे, इनहेल करते एक्सहेल करते आप वापस आओगे। अब यहां पर आपको कोई स्पेसिफिक पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपने ये किया, अब आपकी स्ट्रेच को बढ़ा देगा कि आप बहुत आराम से पीछे देख सकते हैं। आप जो बिगिनर्स हैं, अगर नहीं जा पाते उस तरह, तो दैट्स फाइन, वो शुरू में सिर्फ और सिर्फ अगर इतना भी जा रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस से वो चीज हो जाएगी। लवली लवली लवली। अच्छा सलाफ है, हम जब बात करें फिजिकल एक्टिविटी, और इसके साथ आपने भी हमें कुछ बैठकर भी बताया बेली फैट के लिए, कोई बैठे बैठे हो सकता है? बैठे बैठे तो हम एक सीटेड कैट काओ बताते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होता है, आपकी ये मसल जो है वो टाइट हो जाते हैं, और क्योंकि यही नॉर्मली कई दफा होता है, ये फैट बड़ा स्टबन होता है और इसी की शिकायत होती है। तो आपने क्या किया, आपने इनहेल किया, और जब आपकी नेक पीछे जाएगी, डबल चिन के लिए है, जब आपकी नेक पीछे जाएगी बात नहीं करेंगे, यहाँ किया, उसके बाद एक्सहेल, आपने पेट को बिल्कुल स्क्वीज कर दिया अंदर की साइड पे, अगेन इनहेल एंड एक्सहेल। अब यही सेम प्रैक्टिस अगर आप 12-12 की साइकिल से करते हैं 3 सेट्स के अंदर, आप खुद फील करेंगे कुछ दिनों के अंदर, जो यहाँ पर स्किन समटाइम्स आपकी बड़ी सैग कर गई होती है, तो वो होगी, एक तो वो टाइटनिंग के लिए। खिलाफ़ मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां खवातीन देखी है, इतनी फिट है, इतनी स्मार्ट है, लेकिन उनका बैली फैट होता है। सिर्फ इसलिए होता है कि बैठने का पॉस्चर भी, कुछ लोगों का पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट, योगा में सबसे पहले पॉस्चर बता देते हैं, इवन आपका योगा जो है आपकी हाइट भी बढ़ा सकता है, तो उसमें सबसे पहले कहा जाता है कि आप अपना पॉस्चर सीधा रखें, कि अपने कंधे जो है आपने हमेशा वो सीधे रखने, हमारा बैठने का तरीका ये होता है, ज्यादातर लोगों को इसलिए सर्वाइकल का इशू भी होता है, और एक ये हमारे जो गैजेट्स हैं वो हम यूज करते हैं, और सेकंडली बहुत सारे लोगों को ना ऐसे शोल्डर झुकाकर बैठने की आदत है, मुझे भी अक्सर आदत होती है कि मैं बैठ जाती हूँ, जैसे भी मैं इंट्रो में देखती थी, फिर मैंने अपने आप को पीजीएम पे देखा, फिर मैं एक्टिव होकर बैठ, एक टाइम था मुझे भी आदत थी, तो मेरी बल्कि मेरे टीचर कहते हैं कि ये याद रखो, हमेशा जब आप झुक कर बैठते हैं आपकी एज कम हो रही है, अच्छा ये कहा जाता है, और कहते हैं कि असल में आप यंग रहते हो अगर आप अपनी कमर को सीधा रख के बैठते हो, एक एक्सरसाइज अच्छा, बैठे बैठे बैठने में थोड़ा क्लासी सा लगता है ना, मतलब हाँ, वो बैठने में स्टाइलिश लगता है, वो लगता है। दूसरा एक बैठे बैठे एक एक्सरसाइज है, अभी सोचा कि वो बेली फैट के लिए आप बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, अब हम एक फ्लटर बताते होते थे, अब बिल्कुल एक सीजर्स की तरह, सीजर तो होता है ऑपोजिट लेकर जाते हो आप, अब इसमें ऑपोजिट नहीं लेकर जाना, सिर्फ साथ आपको सिर्फ टो टच करनी है आपने, अब इसका यहाँ पर प्रेशर आएगा, ये यहाँ स्टबन फैट होता है जो मुश्किल होता है, आपने कहीं भी हाथ रखे, यू जस्ट ट्राई, उसके बाद ये टैप्स आप गिन लो कि कितनी दफा आप इसको टच कर रहे हो, तकरीबन आप इसको 20 टाइम्स, शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, 10-12, उसके बाद बढ़ाते जाए 15-20 टाइम्स, और उसके बाद 3-3 सेट्स के अंदर इसको करते जाए, और हमेशा याद रखें कि आपको, एक लोग कहते हैं क्रैम्स क्यों पड़ते हैं ज्यादा, जब भी कोई एक्सरसाइज करता है आपकी बॉडी स्टबन हो गई, उसके बाद थोड़ा सा मूव करें, ताकि आपके जो मसल्स हैं या टिश्यूज हैं वो दोबारा से रिलैक्स हों, और आप दोबारा से उस एक्सरसाइज पर आ जाओ। मुझे पिछले दिनों जोश आया एक्सरसाइज का, मैंने घर में शुरू कर दी, और
उसके बाद मुझे ऐसे क्लास पड़े कि दो दिन बाद मैंने कहा एक्सरसाइज का फॉर्मेट क्या होता है, वार्म अप एक्सरसाइज वार्म डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी स्ट्रेच वगैरह होती है, चाहे वो आप बाजू की स्ट्रेच करते हो. अच्छा, ये आपको साथ ही साथ अगर आप आम बाजू की स्ट्रेच कर रहे हो और इनहेल साथ करने के बाद एक्सहेल, ये आपको रिलैक्स करेगा, आप थोड़ी देर बाद महसूस करोगे. कैक्टस हैंड कभी ना बोले, कैक्टस हैंड में रिपीट इसलिए करवाती हूँ कि ये बहुत आसान है. सिर्फ और सिर्फ आपने ये किया, आपने हाथ यहाँ रखे. अच्छा, इसको सिर्फ और सिर्फ आपने स्ट्रेच किया जहां तक आप स्ट्रेच शुरू में कर सकते हो. उस कैक्टस इसलिए कहते हैं कि वो जो एक प्लांट भी होता है, हाँ हाँ हाँ, उसको इस तरह आपने अपने हाथ की शेप ये बनानी है. ठीक हो गया. अगेन परफेक्ट. एंड एक्सहेल, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ. खिलाफे आपको एक्सरसाइज हमें बता रही थी जी, वो है कि एक तरह से फुल बॉडी होता है. अब जाहिर है एक शॉर्टकट भी होगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत की जरूरत तो होगी. मगर ये है कि अगर आप बिगिनर हैं, आपने थोड़ा सा बेंड किया और आपने सिर्फ और सिर्फ सल्यूट, अब पीछे जाना जो होगा वो आपको जरा प्रैक्टिस की जरूरत होगी उसके लिए, लेकिन ये आपके जो बैक के इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व कर देगा. इसके अलावा जो आसान कहीं ना कहीं होती शुरू में, अगर आप बस इतना भी बैठ सकते हो दैट्स फाइन, आपको सल्यूट की पोजिशन में जाने, क्योंकि योगा में ये यूज होता है, आपने सिर्फ और सिर्फ इस तरह बैठ गए. अब इस पोजीशन में रहे 30 सेकंड, शुरू में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा 15 सेकंड 10 सेकंड के लिए. क्या अब बात होती है बेली फैट की, वो इजी कैसे जा सकता है, कैसे जा सकता है बेली फैट, बहुत सारी खवातीन. और बैठ कर ये होती है गुड न्यूज. अच्छा, इसमें आप लोटस पोज में बैठे या क्रॉस लेग किए आपने, अब आपको अपने हाथ पीछे लॉक करने होंगे जिस तरह आप ये लॉक करते हैं. अब लॉक तो किए, अगर आप बिगिनर हो तो आपके हाथ शायद पीछे ज्यादा इतने ज्यादा सही तरह से लॉक नहीं होंगे, बट आपको सिर्फ पोस्चर फॉलो करना है, कोशिश करनी है कि आप नीचे तक जाएं. सलाफे इतना नीचे नहीं जा सकते. और बिगिनर जो होंगे और जो बैले फैट होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक जाएगा, बस यहाँ तक, दैट्स फाइन. अगर आपसे बिल्कुल सामने नहीं जाया जा रहा तो आपने साइड पर झुक जाना है, सही है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा. अब एक चीज होती है जिसे हम वज्रासन कहते हैं, वो मैं क्यों बताती हूँ, इसलिए कि जितने भी इश्यूज होते हैं आपके मेटाबॉलिज्म, उसको इफेक्ट होगा. अगर आपको फैट है बॉडी का, ये वो तो मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो जाता है, उसका एक्टिव होना जरूरी है. आप इस पोजीशन में बैठे, अब आपका ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया, आपने क्या किया, माउंटेन पोज में गए, इनहेल किया, यस, क्योंकि बिल्कुल कितने मजे के हैं, बहुत मजे के, इसलिए कि ये नेचर के करीब है और ये बिल्कुल, यस, और ये देखें कि ये बिल्कुल माउंटेन की शेप बनती है. आप इस तरह बैठे, एक्सहेल. अब आपका जो ये सिस्टम है मेटाबॉलिज्म का, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो एक्टिव है क्योंकि आप वज्रासन में बैठे हो, साथ ही साथ आप इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो और खुद को अलाइन कर रहे हैं, और जहां इश्यूज होते हैं आपको बाजू के फैट के, वो इससे सॉल्व हो जाते हैं. लवली, ये बहुत इजी है बाजू के. अच्छा, अब हम कुछ लोगों को थाइस का भी, थाइस का प्रॉब्लम होता है उसमें. अच्छा, आसान फिर वो बात, आसान क्या हो सकता है, आसान नहीं बतानी है सलाफ, मुश्किल आसान क्या हो सकता है, हमने मुश्किल नहीं बताना. सिर्फ और सिर्फ आपने थोड़ा सा बेंड किया, अब ये थाइस के लिए, सामने आपके उठा दोगे. अब लोग कहेंगे ये मार्शल आर्टिस्ट नहीं, ये टेक्निक यूज की जाती है. आपने ये किया और हल्की सी लेग को सिर्फ लिफ्ट कर दिया. अब अगर आपसे सामने नहीं हो रहा, वो आसान होता है साइड पे कर ले, साइड, ठीक है. अब इसको बिल्कुल स्ट्रेट ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पोस्चर में वापस आकर जितना आप झुक सकते हो. सलाफे, कुछ लोगों को जो जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है समटाइम्स, जिनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है, अगर वो इस पोजीशन में दीवार के साथ करेंगे ना होल्ड, सामने आपने हाथ रख लिया, बिल्कुल चेयर बन जाएगा, तो वो होल्ड कर सकते हैं, तो आपके जो जॉइंट का इश्यू है यहाँ स्ट्रेंथनिंग आएगी और उसके बाद फिर आप एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू कर सकते हो. और दूसरा, वो ये स्ट्रेच थोड़ा बहुत ये करें कि झुक जाएं, ज्यादा आपने इसको नी को लॉक नहीं रखना. तो आप शुरू में अगर अपनी नीज बेंड कर सकते हैं या यहाँ बेंड कर सकते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ आप झुक गए, आपको इस एरिया में स्ट्रेंथ. मेरे हाथ क्यों नहीं जाते, मुझे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि स्ट्रेच नहीं है, स्ट्रेच नहीं इसको है, हो सकता है कि अभी इस एरिया में या बाजू में स्ट्रेच ना हो. अच्छा, जिस वजह से ऐसा हो रहा है. शुरू में मेरे साथ इशू था, लेकिन हम ये कहते हैं जरूरी नहीं है कि आपकी हेल्थ इससे कनेक्टेड है कि आपके हाथ यहाँ लगते हैं. आपको अगर शियाटिका का इशू हो जाए इसके बाद, तो नॉर्मली लोग जब ज्यादा स्ट्रेच करते हैं ना, तो तब प्रॉब्लम हो जाता है. तो आप सिर्फ और सिर्फ बस प्रैक्टिस करो, इनहेल एक्सहेल. और अगर जिनके वैसे हाथ नहीं लगते, आज एक टिप दे देते हैं, क्या जिनके हाथ नहीं लगते ना, अभी वैसे अगर करके देख लीजिए फर्क होगा. इनहेल किया, एक्सहेल करने के बाद जब आपका पेट खाली हो जाता है, उसके बाद आप नीचे जाओ, आपके पूरे हाथ लगेंगे. ओके, फर्क है. लवली 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 सर, आपसे कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहो, फिर हम ब्रेक ले. सिर्फ और सिर्फ के हमेशा खुश रहें, फिट रहें,
और दूसरों को भी खुश रहने में. हाँ, पॉजिटिविटी जरूर फैलाएं. थैंक यू वेरी मच सलाफ है. थैंक यू सो मच. और इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतनी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज बताने के लिए. जनाब अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे.